राम और रावण सेना के बीच हुआ कुप्पी युद्ध यूपी के कौशाम्बी जिले के दारानगर में आयोजित होने वाली रामलीला का कुप्पी युद्ध आज भी अपना स्वरूप कायम किए हुए है। इस युद्ध में राम रावण दल की सेनाएं वास्तविक युद्ध करती हैं, जिसे देखने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। यहां की रामलीला अनवरत 241 वर्षों से बिना किसी बाधा के परंपरा के अनुसार होती चली आ रही है। कुप्पी युद्ध का रोमांच ही ऐसा होता है कि इसे देखने के लिए दर्शक खुद ब खुद मैदान में खींचे चले आते हैं। दो दिवसीय कुप्पी युद्ध में पहले दिन काले कपड़ों में सजी रावण की सेना की जीत होती है, तो दूसरे दिन लाल कपड़े में युद्ध करने वाले राम की सेना असत्य पर सत्य की जीत का विजय पर्व मनाती है। यह दृश्य देखकर यह मत सोचिएगा कि किसी झगड़े का दृश्य होगा, बल्कि यह दृश्य है दारानगर में 241 वर्षों से आयोजित होने वाली कुप्पी युद्ध का, जिसमें राम रावण की दो सेनाएं आमने सामने होती हैं। भगवान राम की सेना लाल और रावण की सेना काले कपड़ों में होती है। आमना सामना होने पर दोनों सेनाओं के बीच प्लास्टिक की कुप्पी से युद्ध होता है। आयोजकों की सिटी बजाते ही राम व रावण दोनों ही दल के सेनानी जिस तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, उसे देखकर दर्शक रोमांच से भर उठते हैं। मंच से भी ये आह्वान किया जा रहा है कि हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ आए। हम लोगों ने किसी प्रकार का इस बार प्रचार प्रसार भी नहीं किया, परंपरा का निर्वहन करना है। इस नाते से यहाँ इस क्षेत्र में युद्ध होता है, ये हमारा कुरुक्षेत्र है, यही रावण है और कल इस यहाँ रावण का वध भी होना है। इस नाते से यहाँ आकर के ही अपनी परंपरा का निर्वहन करना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ सूक्ष्म रूप से अपनी जो सैनिटाइज पूरे क्षेत्र कराया गया है, यहाँ सैनिटाइज कर भी रहे हैं। आज इस समय भी वर्तमान में भी सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क भी हम लोगों ने अपने सारे वेंटिलेटर जितने हैं और योद्धा जो हैं उन सबको मास्क का भी वितरण किया गया है। 241 वर्षों से हम लोग रामलीला कई कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी रामलीला कई स्थानों पर दिन में ही मंचन होता है, परंपरागत रूप से जहाँ जहाँ भी भगवान की सवारी जाती है और वापसी में भगवान सवारी का घर घर पूजन होता है भगवान का, उस परंपरा का हम सब लोग निर्वहन कर रहे हैं। आद्या प्रसाद पांडे, अध्यक्ष रामलीला कमेटी दारानगर कौशाम्बी। अपने 241वें दशहरा महोत्सव रामायण मेला, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान संपन्न कराया जा रहा है, इस बार कमेटी ने पूरा प्रयास किया है कि इस कुप्पी युद्ध क्षेत्र का मैदान, जो कि आज विजयादशमी का पावन पर्व है, पूरे युद्ध क्षेत्र मैदान को सैनिटाइज करा करके राम दल एवं रावण दल के सेनानी जो चार सजीव कुप्पी युद्ध आज विजयादशमी के पावन पर्व पर होते हैं, उन सभी सेनानियों को मास्क एवं 2 गज की दूरी, इस शासन की गाइडलाइन की मंशा का अनुपालन करते हुए आज का कुप्पी युद्ध संपन्न कराया जा रहा है। क्या होता है आज के दिन यहाँ पे? आज जो हमारी पूर्वजों और पूर्वजों की परंपरा है, जो हमें परिपाटी में मिली है, आज राम दल एवं रावण दल के मध्य 25-25 सेनानियों के मध्य कुप्पी युद्ध, जो कि सजीव होता है, एक दूसरे पर एक दुश्मन की भावना के साथ एक दूसरे पर वार करते हैं और मार करते हैं, और कुप्पी युद्ध संचालन जो दल है उनके द्वारा जैसे ही विसल बजाई जाती है, जैसे ही सीटी बजाई जाती है, युद्ध खत्म होता है। दोनों दल के सेनानी आपसी सद्भाव के साथ फिर से गले मिलकर भगवान राम एवं लंकाधिपति रावण की जय घोष करने लगते हैं। 2 दिवसीय होता है ये युद्ध? जी, पूरे विश्व ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में रावण वध रावण दहन की लीला आज विजयादशमी के पावन पर्व पर की जाती है, किंतु हमारी परिपाटी एवं परंपरा के अनुसार रावण वध एवं रावण दहन की लीला कल एकादशी का पर्व, जो तीन सजीव राम दल और रावण दल के मध्य लड़े जाएंगे, तीन सजीव कुप्पी युद्ध, लक्ष्मण मेघनाथ शक्ति की लीला, उसके साथ ही इस कुप्पी युद्ध महोत्सव का समापन होगा।